जय माता रानी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2024 में सावन कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, सावन महाशिवरात्रि का व्रत कब किया जाएगा, रक्षाबंधन कब है, पूर्णिमा कब है और सावन से पहले हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करके रख लेनी है और क्या हम सावन से कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं और सावन में हमें कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करनी है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सावन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि सावन का जो महीना होता है वो बड़े ही पावन और पवित्र महीना होता है, क्योंकि शिव जी का प्रिय महीना सावन होता है और जितने भी शिव भक्त होते हैं उन्हें सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो बता दूं कि अब की बार साल 2024 में सावन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 19 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो अब की बार सावन में टोटल 5 सोमवार का व्रत पड़ रहा है, तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और बता दूं कि अब की बार सोने पे सुहागा है, क्योंकि शिव जी का प्रिय महीना सावन है और शिव जी का प्रिय दिन सोमवार है, तो दोनों अब की बार एक ही साथ पड़ रहा है, क्योंकि सोमवार के दिन ही सावन शुरू हो रहा है। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, ये सोने पे सुहागा है। और बता दूं कि अब की बार साल 2024 में 19 अगस्त को लास्ट सोमवार का व्रत भी है, रक्षाबंधन भी है और पूर्णिमा भी है। तो बता दूं कि अब की बार साल 2024 में पहला सोमवार का व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 29 जुलाई को रखा जाएगा, तीसरा 5 अगस्त को रखा जाएगा, चौथा 12 अगस्त को रखा जाएगा और पांचवा सोमवार का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो कितने लोग हैं जो सोमवार का व्रत नहीं रख पाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सावन सोमवार का व्रत रखें। और बता दूं कि अब की बार सावन महाशिवरात्रि का जो व्रत है, तो जिसको भी करना है, वैसे तो लोग सावन सोमवार का व्रत कोई करे या ना करे, लेकिन सावन महाशिवरात्रि का व्रत मतलब लगभग लगभग सारे लोग करते ही हैं। तो अब की बार सावन महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो 2 अगस्त को पड़ा है, तो जिसको भी करनी है, पहली बार करनी है या जिसका छूट गया है, तो वो लोग अगर करना चाहते हैं तो अब की बार से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि सावन से पहले हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करके रख लेनी है। तो अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है, तो अगर आप तीर्थ धाम पर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ से गंगा जल जरूर लेकर के आइएगा अपने घर में छिड़कने के लिए। और बता दूं कि सावन से पहले जिनको भी सूट साड़ी कुर्ती जो भी मतलब सिलवानी है तो उसको कंप्लीट करके रख लीजिएगा, क्योंकि सावन में हरा भरा कपड़ा ही पहना जाता है, हरे रंग का कपड़ा ही पहना जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब हरे रंग का कपड़ा मतलब पूरे एक महीना तक पहनते हैं, लेकिन देखिए हर कोई के पास में हर चीज़ नहीं रहता है, तो और दिन पहने ना पहने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोमवार के सोमवार हमें हरे रंग का वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। तो अगर आप लोग ब्लाउज बनवाना चाहते हैं तो आप पहले से ही बनवा के रख लीजिए, या सूट सिलवाना चाहते हैं तो पहले से ही सिलवा करके रख लीजिए। अगर आप पूरे सावन नहीं पहन सकते हैं तो सोमवार के सोमवार आप लोग जरूर पहनिएगा, और सावन पूरे सावन हमें हरे रंग की चूड़ी जरूर पहन करके रखनी चाहिए, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब हमें पहले से ही तैयारी करके रख लेना है। और बता दूं कि सावन में जिसके पास भी शिव चालीसा या शिव जी का फोटो नहीं है पूजा करने के लिए, तो वो पहले से ही खरीद करके रख लेंगे, क्योंकि सावन में बहुत सारे लोग हैं जो पूरे एक महीना का व्रत रखते हैं, तो वो लोग अपना पहले से ही ये तैयार करके रख लेंगे। और बता दो कि जो लोग भी मतलब पूरी एक महीना का व्रत रखते हैं, तो वो लोग जिस चूल्हे पे नॉनवेज बना है उस चूल्हे पे फलाहार बना करके ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और जिसको भी 16 सोमवार का व्रत उठाना है या मतलब कोई भी आपको व्रत उठाना है तो आप सावन से उठा सकते हैं, बड़े ही पावन महीना है, तो आप लोग चाहे तो कोई भी व्रत उठा सकते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई। और सावन से पहले ही हमें सब चीज़ तैयार करके रख लेना है।
अब चलिए जान लेते हैं कि हमें सावन में किन किन गलतियों पर हमें ध्यान देना है ताकि हमारे द्वारा कोई भी गलती ना हो। तो बता दूं कि सावन में बहुत सारे लोग हैं जो बाबा धाम जाते हैं, तो जो लोग बाबा धाम जाते हैं वो लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, नॉनवेज तो दूर की बात है, लेकिन लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर है जिसमें बच्चे हो या बड़े लोग हैं तो वो लोग भी मतलब लहसुन प्याज के बिना खाना ही नहीं खाते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग लहसुन प्याज तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक महीना तक नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, नवरात्रि का बात रहता है तो 10 दिन का बात रहता है तो इंसान कैसे भी कर लेता है, लेकिन ये एक महीना का बात है तो बहुत सारे लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो लहसुन प्याज खाते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो खा सकते हैं, लेकिन जो लोग भी बाबा धाम जाते हैं उन्हें लहसुन प्याज का सेवन पूरे एक महीने तक नहीं करना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और बता दूं कि अगर आपके घर से कोई बाबा धाम जा रहा है तो भी, नहीं जा रहा है तो भी, आप लोगों को नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में नॉनवेज मतलब उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो खाते हैं, हम लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो खाते हैं, तो अगर आप लोग खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक महीना तक आप लोग नॉनवेज ना खाएं तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि घर में सुख शांति के लिए हमें कम से कम एक महीना दिन हमें पूजा पाठ नियम धर्म जरूर कर लेना चाहिए। तो एक महीना आप लोग नॉनवेज मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि लहसुन प्याज खा लेते हैं चल जाता है, लेकिन नॉनवेज ना खाएं तो सबसे अच्छा है। और जिनके घर में लोग बाबा धाम जाते हैं तो उनके घर में तो लोग नॉनवेज खाते ही नहीं है, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे पापा भी जाते हैं बाबा धाम तो हम लोग तो मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। बाकी आप अपना देख लीजिएगा कि हाँ, नियम धर्म करेंगे तो हम अपने लिए करेंगे, दूसरे के लिए हम थोड़ी ना करेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखनी है कि ये गलती हमें नहीं करनी है। और एक बात और बता दूँ कि सावन के महीने में आप लोग कहीं भी तीर्थ धाम पे जा रहे हैं तो भी, अगर कहीं मेला मार्केट में भी जा रहे हैं तो सावन में आप लोग सिंदूर खरीद करके जरूर लाइएगा, और वो सिंदूर आप अपने सिंदूरा में जरूर डालिएगा। बड़ा ही शुभ होता है, क्योंकि शिव जी का जो महीना होता है वो सावन होता है, बड़े ही पावन और पवित्र महीना होता है। तो इस महीने में शुक्र और सोमवार के दिन कोई भी अच्छा दिन देख करके हमें अपने सिंदूरा में सिंदूर जरूर भरना चाहिए। तो ये एक काम आप लोग सावन में जरूर कर लीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सावन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को सावन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।